नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीके किस बकर्स। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे 15 जुलाई 2019 से करंट अफेयर्स जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों वीडियो अंत तक देखें, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि वर्ल्ड कप जो 2019 है दोस्तों, वर्ल्ड कप 2019 जो कि जीता है दोस्तों इंग्लैंड ने, ठीक है याद रखिएगा, इंग्लैंड ने जीता है 2019 वर्ल्ड कप। और जो रनर अप टीम रही है वो रही न्यूजीलैंड, ठीक है ये आप याद रखिएगा। 241 का टारगेट दोस्तों न्यूजीलैंड ने दिया था, जिसमें इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का दोनों का टाई हो गया बीच में मैच। और जब सुपर ओवर हुआ बीच में तो सुपर ओवर भी हमारे टाई हो गया था, ठीक है इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में। तो जो हमारे वर्ल्ड कप की जो रूल्स के हिसाब से और जो न्यूजीलैंड के जो बाउंड्रीज थी वो एक थी सिर्फ, उन्होंने 6 रन मारा था, लेकिन हमारे इंग्लैंड ने चार 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 दो बार चार मारे थे, दो चौके मारे थे, तो इस कारण इंग्लैंड की जीत हो गई, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, पूछ सकते हैं एग्जाम में, इंग्लैंड हमारा भी जीता है 2019 वर्ल्ड कप का। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये कि किस देश ने कजाकिस्तान के बेकानूर में कॉस्मोड्रोम से स्पेस टेलीस्कोप स्पेक्ट्र आरजी लॉन्च किया है दोस्तों, वो किया है रूस ने, ठीक है याद रखिएगा। रूस ने 13 जुलाई 2019 को कजाकिस्तान के बेकानूर में कॉस्मोड्रोम से स्पेस टेलीस्कोप स्पेक्ट्र आरजी लॉन्च किया है, ठीक है याद रखिएगा। जर्मनी के साथ विकसित की गई स्पेक्ट्र आरजी एक स्पेस वेधशाला है जिसका उद्देश्य स्पेक्ट्र आर को बदलना है, जिसे रूसी हबल के रूप में जाना जाता है। किसके नाम से जाता है? रूसी हबल के नाम से जाना जाता है, ठीक है याद रखिएगा। स्पेक्ट्र आर को 2011 में ब्लैक होल, न्यूट्रॉन सितारों और चुंबकीय क्षेत्रों यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का निरीक्षण करने के लिए लॉन्च किया गया था, ठीक है ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि महिला विंबलडन खिताब किसने जीता दोस्तों, वो जीता है सीमोना हालेप ने, जीता है वर्ल्ड कप सॉरी महिला विंबलडन खिताब, ठीक है याद रखिएगा। विंबलडन टेनिस में 7वीं वरीयता प्राप्त सीमोना हालेप ने 2019 का महिला एकल विंबलडन खिताब जीता है, उन्होंने फाइनल मैच में सेरेना विलियम्स को हराकर सीमोना हालेप विंबलडन जीतने वाली पहली रोमानियाई खिलाड़ी बनी है, ठीक है ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि जल के मुद्दों को संबोधित करने हेतु मसूदा नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा है दोस्तों, उसका नाम है मेघालय, ठीक है मेघालय देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने राज्य में जल के मुद्दों संरक्षण और जल स्रोतों को संरक्षण हेतु एक मसूदा जल नीति को मंजूरी दी है। नीति के अनुसार ग्रामीण स्तर पर समितियों का गठन किया जाएगा और भूजल के मुद्दों को भी इस नीति के माध्यम से दूर किया जाएगा, ठीक है यह जांचने के लिए पानी की गुणवत्ता की निगरानी करेगा कि उसमें आयरन की उच्च मात्रा है या यदि अम्लीय है, ठीक है ये आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि paisabazaar.com ने अपने उपयोगकर्ता को उनकी वित्तीय आवश्यकताओं को वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रदान करने के लिए किसके साथ भागीदारी की है दोस्तों, वो की है सैमसंग पे के साथ, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। वित्तीय उत्पादों के लिए भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन मार्केट प्लेस बाजार paisabazaar.com ने सैमसंग के साथ साझेदारी की घोषणा की है। paisabazaar.com सैमसंग पे यूजर्स को उनकी वित्तीय जरूरतों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन उपलब्ध कराएगा। सुविधा का उपयोग करते सैमसंग पे यूजर्स प्लेटफॉर्म से क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत ऋण हेतु आवेदन कर सकते हैं, ठीक है ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारत ने पोर्ट इंटीग्रिटी कैंपेन निम्नलिखित में से किसने शुरू किया है दोस्तों, वो किया है संयुक्त राष्ट्र ने। मैरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क होता है AMACN ने भारत में रिपोर्ट इंटीग्रिटी कैंपेन शुरू करने की घोषणा की है। कैंपेन का उद्देश्य भारतीय बंदरगाहों में परिचालन के दौरान व्यापार के लिए अखंडता के मुद्दों और बाधाओं को कम करना है। ये जो MACN है मैरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क समुद्री उद्योग में भ्रष्टाचार से निपटने हेतु काम करने वाली 110 से अधिक कंपनियों का एक वैश्विक व्यापार नेटवर्क है, ठीक है ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि कौन सा देश डिजिटल कंपनियों पर कर लगाने वाला पहला प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है, जिसका नाम दोस्तों फ्रांस, ठीक है ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फ्रांस डिजिटल कंपनियों पर कर लगाने वाली पहली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। कर को GAFA यानी कि गूगल, एप्पल, फेसबुक और अमेजन के रूप में जाना जाता है। यह कानून फ्रांसीसी उपभोक्ताओं को सेवाएं प्रदान करने वाली सबसे बड़ी तकनीकी फर्मों के कुल वार्षिक राजस्व का पर 3% कर लगाएगा, ठीक है यह आप याद रखिएगा। GAFA 750 मिलियन यूरो से अधिक की वैश्विक बिक्री को
और कम से कम 25 मिलियन यूरो की फ्रांस में बिक्री वाली डिजिटल कंपनी को लक्षित करता है। ठीक है, यह आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इंटर्नशिप कार्यक्रम किसने हासिल किया? दोस्तों वो किया ईशा कंठ ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा ईशा कंठ दुनिया के दो व्यक्तियों में से एक है जिन्होंने हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इंटर्नशिप कार्यक्रम हासिल किया है। उन्होंने पहले ग्रामीण बिहार में शिक्षा के अधिकार और महिला सशक्तिकरण से संबंधित हाशियों के वर्ग में जागरूकता फैलाने का कार्य किया है। ICJ संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायपालिका भाग है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि किस कंपनी ने भारत की पहली इथेनॉल में से चलने वाली मोटरसाइकिल लॉन्च की है? तो उसका नाम है दोस्तों TVS मोटर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। TVS मोटर ने अपनी लोकप्रिय अपाचे RTR 204V का ग्रीन संस्करण भारत की पहली इथेनॉल संचालित मोटरसाइकिल लॉन्च की है। पेट्रोल की जगह बाइक में 100% इथेनॉल का उपयोग किया जाता है। इथेनॉल का उत्पादन अक्षय स्रोतों से घरेलू रूप से किया जाता है जिसमें चीनी कारखानों के अवशेष एल्कोहल भी शामिल है और साथ ही कम प्रदूषण भी करती है। बाइक शुरुआत में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में उपलब्ध होगी। ठीक है, यह आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी मंडेला शांति पदक 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों का नाम है थीच यान हान। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। वार्षिक गांधी मंडेला शांति पदक 2019 को थीच या नाथ हान को दिया गया है। थीच नाथ हान एक वैश्विक आध्यात्मिक नेता, कवि और शांति कार्यकर्ता है। गांधी मंडेला शांति पहल का पहला संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और यह पहल डॉक्टर रमन भाई पटेल फाउंडेशन के सहयोग से बिलीव फाउंडेशन द्वारा आयोजित की गई थी। ठीक है, क्या प्यार देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि महिला स्टार्टअप शिखर सम्मेलन 2019 किस शहर में आयोजित किया गया जाएगा? दोस्तों वो किया जाएगा कोच्ची में। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। केरल स्टार्टअप मिशन के 1 अगस्त 2019 को कोच्ची में महिला स्टार्टअप शिखर सम्मेलन 2019 की मेजबानी करेगा। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य महिला पेशेवरों को उनकी उद्यमशीलता की यात्रा में प्रोत्साहित करना और राज्य में समावेशी उद्यमशीलता पारितंत्र विकसित करना। ठीक है, और सम्मेलन का आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा भारतीय महिला नेटवर्क के सहयोग से किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। हम कल फिर मिलेंगे ग्रैंड करंट अफेयर्स की वीडियो साथ में। तब तक दोस्तों धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों साथ जरूर शेयर करें। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्स लक, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, धन्यवाद।